हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू यूरोप चलेगी ब्रिट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। भाई आप सभी की बीएचयू काउंसलिंग 7 जून से स्टार्ट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट है जिसकी लास्ट डेट 26 जून रहने वाली है। काउंसलिंग बच्चों आप सभी को पेड सीट भी मिलता है, तो आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं कि पेड सीट का एडमिशन प्रोसेस क्या है, कितनी कट ऑफ रहती है, फी कितना है, प्लस कोर्सेस वाइज नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। तो कंप्लीट डिटेल से आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट पेड सीट। सबसे पहले चीज की देखिए, बीएचयू की जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप सभी को रजिस्ट्रेशन करनी है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीट के बारे में। देखो बीएससी एग्रीकल्चर की स्पेशली बात करेंगे, बट आपको बता दूं कि बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पे अप्रोक्सिमेटली हर एक कोर्स में, ठीक है, लगभग सारे यूजी पीजी कोर्सेज में कुछ नंबर ऑफ सीट्स पेड कोर्सेज के लिए वैकेंट रहती है। मतलब जितनी भी सीट होगी उसका 15% सीट यहाँ पे पेड होगा। जैसे अगर बात करें अबाउट बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की, तो मेन कैंपस में टोटल 154 सीटें हैं, ठीक है। जो मेन कैंपस की सीटें बच्चों, ये कंप्लीट रेगुलर सीट है। दो टाइप्स की सीटें होती हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है पेड। तो हम लोग पेड की बात कर रहे हैं। ये जो आपको वेबसाइट पे जो स्क्रीन पर अभी दिख रहा है 154, ये आपका रेगुलर सीट है। तो इस 154 का अप्रोक्सिमेटली 15%, समझ रहे हो, मतलब कि लगभग 22 सीटें या फिर 21 सीटें, 21 सीट बच्चों अलग से स्पेशल कोटे के थ्रू रिजर्व की जाती है फॉर पेड कैंडिडेट। पेड कैंडिडेट का क्या होता है कि उनको स्पेशल कोर्स ऑफर की जाती है, मतलब कुछ नहीं होता। आप उन्हीं जो बच्चे रेगुलर सीट पर एडमिशन लेंगे उनके साथ आपको बैठना पड़ेगा, उनके साथ एग्जाम देना पड़ेगा, सब कुछ उनके साथ ही करना पड़ेगा, बशर्ते आपको फी थोड़ी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। थोड़ा नहीं, जो बीएचयू का रेगुलर फी है उसके अलावा आपको 30,000 पर सेमेस्टर। नीचे यहाँ पे देखो नोट करके लिखा हुआ है, द बीएससी ऑनर्स एग्री कोर्स विल रन एट आरजीएससी बरकछा मिर्जापुर, मेल एंड फीमेल अंडर स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी। ये स्पेशल कोर्स है ना, यही हमारा पेड सीट है। With the fee structure of 30,000 per semester per regular fee of the BSc Honors Agriculture course prescribed by the university. देखिए ऑनर्स एग्रीकल्चर में दो कैंपस से, एक साउथ कैंपस मिर्जापुर में, जो मिर्जापुर वाली कैंपस है वहाँ पे मिनिमम अगर 31 सीट रहती तभी क्लासेस चलती हैं, नहीं तो उन बच्चों को भी अगर 30 बच्चे से कम है तो मेन कैंपस में ही भेज दिया जाता है। बाकी अगर 30 प्लस हैं या लेस देन 50 हैं तो उनकी क्लासेस हमारी आरजीएससी में चलती है और उसमें पेड सीट वाले बच्चे भी होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फूड टेक, डेरी टेक भी है, इसमें भी लगभग इस टाइम 5 पेड सीटें हैं। तो आपका जो कट ऑफ होता है, आपको बता दूं कि आपका जो नंबर होगा, ठीक है, जैसे कि आप लोग सीयूटी के एग्जाम दे चुके हो, सीयूटी के एग्जाम में जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो आप लोग देखोगे ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपको प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करना है। तो आप मान लीजिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए चूज कर रहे हो, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर बच्चे दो कोर्स आपको दिखेगा, एक होगा पेड, एक होगा नॉन पेड। तो पेड में आप जाओगे तो चीज अलग है, बट नॉन पेड में आप आते हो, यहाँ पे देखो आपको रेगुलर फी का कोर्स मिलेगा मेन कैंपस के लिए, प्लस बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर स्पेशल फी कोर्स। स्पेशल कोर्स फी जो नहीं है यही आपका बच्चे में मिलेगी, तो आपको यहाँ पे बाद में उसे ऐड करना है। देखो हमने जैसे इनका इस बच्चे का, किसी बच्चे का ये हमने इनका ऐड कर रखा है। पहला हमारा एफएमसी, दैट्स मीन की फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। एफएमसी का फुल फॉर्म क्या है, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। आरजीएससी का फुल फॉर्म क्या है, राजीव गांधी साउथ कैंपस। जो रेगुलर फी है वो बच्चा हमारा मेन कैंपस में, पहला वाला, ठीक है, ये वाला। दूसरा वाला देखो, ये ऑनर्स एग्रीकल्चर स्पेशल फी कोर्स, ये मिर्जापुर में है। तो आपको जो भी ऐड करना हो आप यहाँ पे सेव एंड कंफर्म कर दो, आपका ये ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं फी कितनी लगती है बच्चा, तो फी मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो यहाँ का फी है, आ जाओ मैं दिखाता हूँ ऑफिशियली बच्चों आपको पेड सीट का फी दिखाता हूँ, कि जो पेड सीट की फी है ना, और यहाँ पे मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँगा कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है। देखिए वो सारे बच्चे जो बीएचयू की रजिस्ट्रेशन किए हैं वो सारे बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि भैया हम लोगों ने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर किस ग्रुप से हमें मिलेगा। तो देखो यार बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, सेक्शन ए लैंग्वेज का था, सेक्शन 1B भी लैंग्वेज का था, इसमें कुछ नहीं चूज करना है, ठीक है। डायरेक्टली डोमेन की बात करते हैं, देखो डोमेन में क्या है कि अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर लेना चाहते हो आपके पास 3 ग्रुप, या तो पीसीबी, या तो पीसीएम, या तो एबीसी, यानी एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री एबीसी वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर मैंने एबीसी से एग्जाम दिया मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। क्लियरली बच्चा यहाँ पे देखो बायोलॉजी केमिस्ट्री एग्रीकल्चर के साथ अगर आपने बीएचयू का एग्जाम दिया है बीएससी एग्रीकल्चर की, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो विदाउट एनी टेंशन, या फिर आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी काउंसलिंग होगी। चलिए फी की बात कर लेते हैं कि पेड सीट का कितना फी लगने वाला है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। ये पीडीएफ आपको हमारे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां से जाकर देख लेना। बच्चा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं, देखो एग्रीकल्चर का यहाँ पे फीस बच्चों है वो है 3366 रुपए, ठीक है, प्लस 5500 रुपए जो है ये स्पेशल कोटे का फी है, और 20000 रुपए यहाँ पे बच्चों आपका पेड सीट फी है, ठीक है। पेड सीट का मतलब होता है कि स्पेशली आपको कुछ एक्स्ट्रा फी, कितना फीस है 20000 रुपए पर सेमेस्टर। वहीं अगर आप साउथ कैंपस की स्पेशल कोर्स बीएससी एसएम एडमिशन ले रहे हो, ये भी एक जैसा पेड सीट ही है, बट आपको कैंपस दूसरा मिलेगा, उसमें आपको 30000 रुपए पर एनम के फॉर्म में फी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पर एनम नहीं, पर सेमेस्टर है, सॉरी पर सेमेस्टर का फी है। तो जब आप प्रेफरेंस भरोगे तो प्रेफरेंस में आपको स्पेशल कोर्स का भी भरना है, ठीक है। और इसके अलावा जब पेड और नॉन पेड का आएगा तो आप तो सबसे पहले नॉन पेड के लिए भरना, जो कट ऑफ बनेगी, अगर आपका कट ऑफ के ऊपर मार्क्स है तो आपको नॉन पेड सीट तो मिल जाएगा, बट अगर आपका मार्क्स कट ऑफ के अंडर में, बाद में पेड सीट की कट ऑफ बनेगी, जब आपका पेड सीट का कट ऑफ बनेगा ना, पेड सीट के कट ऑफ पे आप ऑलरेडी एलिजिबल, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। तो आप अगर पेड सीट पर एडमिशन लेना चाहते हो, सिंपल सा है, आरजेएससी के स्पेशल कोर्स फी को फिल कर देना। देखो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लो 600 में बच्चा आपका 480 नंबर कट ऑफ बनना है जनरल कैटेगरी का, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ बना 480 है, तो 480 आपका अगर आ रहा है तब तो ओके, आपको रेगुलर सीट मिल जाएगी। बट मान लीजिए आपका 480 नहीं 475 आ गया और पेड सीट की कट ऑफ बन गई अप्रॉक्स 470, तो ऑलरेडी आप पेड सीट आपको अलॉट कर दिया जाएगा, और पेड सीट की कट ऑफ नॉर्मल सीट से 5-10 नंबर ही कम होती है, ठीक है, ज्यादा नहीं, केवल 5-10 मार्क्स। उसके पहले बता दूं कि हमने बच्चों अपना सबसे इंपॉर्टेंट ये मेंटोरिंग प्रोग्राम काउंसलिंग से कॉलेज तक 2.0 लॉन्च कर दिया है। सीयूटी आईसर काउंसलिंग के लिए अगर आपको हमारी हेल्प की नीड है, कंप्लीटली पेड सीट पे, नॉर्मल सीट पे या फिर आईसर काउंसलिंग में, तो आप हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा जो बेनिफिट्स मिलेगा आपको इसमें, आईसर की कोर्स वाइज प्रेफरेंस सीट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा, कैरियर के अकॉर्डिंग आपको प्रोस्पेक्टस कॉलेज चॉइसेस में हेल्प मिलेगी, आफ्टर एडमिशन गाइडेंस मिलेगा, आईसर के हर एक कोर्स 11 कोर्स हैं उसके कॉलेज की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑलवेज हमेशा सपोर्ट मिलेगा, चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी हमारी तरफ से, प्लस कंप्लीट गाइडेंस और ऑन टाइम काउंसलिंग आपको जूम कॉल के थ्रू डेली सपोर्ट मिलेगा। इसमें बच्चों आपकी सीयूटी की सारी कॉलेज, आईसीआर के सारे कॉलेज जो बीएससी एग्री है उसके एलियार्ड कोर्सेस कराते हैं, प्लस डायरेक्ट एडमिशन जहां भी होगा उसका आपको कंप्लीट गाइडेंस और सारे यूनिवर्सिटी को कंप्लीट कवर किया जाएगा। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, कुछ इसके चार्जेस हैं, जो चार्जेस आप हमारे पे करके व्हाट्सएप नंबर पे, यहाँ पे स्कैनर दिया गया, यहाँ पे करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शो कर रहा है 6387833794, तो ये नंबर यहाँ पे दिया गया है, इस नंबर पे आप हमें पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। यूपीआई आईडी मेंशन है, पेमेंट बच्चों 999, एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, और बाद में पेमेंट आपका 1499 हो जाएगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो इन तीनों में से किसी भी यूपीआई आईडी पे आप पे करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, मैं आपको ज्वाइन करा लूंगा, उसके बाद आप एडमिशन लेने की आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, उसका गारंटी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। जैसा भी आपका मार्क्स रहेगा उस मार्क्स से बस हम आपको अपनी तरफ से बेस्ट कॉलेज दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो फी हमने आपको बता दिया, एडमिशन प्रोसेस बता दिया कि जब आप प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आप नॉन पेड सीट के लिए अप्लाई कीजिएगा, जिसमें कि आपको स्पेशल कोर्स की भी फी को एड करना है, प्लस जब आपका रैंक कम रहेगा, मार्क्स कम रहेगा, तो आपको पेड सीट की जो कट ऑफ बनेगी, ऑलरेडी पेड सीट पे आपको सीटें अलॉट कर दे जाएंगी, आपको एक्स्ट्रा पेड सीट के लिए अप्लाई नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर कम आ रहा है तो पहले से आप पेड सीट पे अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। जैसा कि आप जब यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने जाओगे बच्चों, तो फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको यहाँ पे पेड नॉन पेड का ऑप्शन आएगा, तो जैसा भी आपको ऑप्शन आएगा है ना, उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली यहाँ से फिल कर लेना, ठीक है। और ये लास्ट डेट 26 जून है, बाद में मे बी डेट एक्सटेंड हो सकती है, इसकी पूरी चांसेस है कि डेट एक्सटेंड हो, बट अभी ऐसा कोई एक्सटेंड होने का डेट अनाउंस नहीं किया गया है। तो हो सके पॉसिबल तो 26 जून से पहले ये चीज आप कर लीजिए, बाकी पेड शीट की रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। अब आप लोग पूछोगे कि भैया पेड शीट कितना है, तो ये समझना कि जिस कोर्स में जितनी सीटें हैं उसकी 15% सीट एक्स्ट्रा पेड शीट के फॉर्म में होगी। जैसे मान लीजिए किसी कोर्स में टोटल 400 सीट है, तो 400 का 15% कितना हुआ, अप्रोक्सीमेटली हुआ कितना बच्चों, 60। तो जो 60 सीट है, ठीक है, वो 60 सीट आपका पेड होगा, तो 400 प्लस 60 इक्वल टू 460, ये हो गया टोटल रेगुलर और नॉर्मल सीट की नंबर ऑफ सीट्स। तो इस बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा, बाकी पेड सीट में डायरेक्ट एडमिशन मीन सब में हेल्प चाहिए तो आप हमारी काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको मैं कंप्लीट
हेल्प कर दूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। अगर किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिएगा, एवरी कमेंट्स आप सभी को रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर सीबीटी स्कोर कार्ड। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।